कर देते हैं। मुझे अफसोस सिर्फ मैडम शैला रजा पे आते हैं क्योंकि मैडम खुद पार्लियामेंट में रही हैं, वो डिप्टी स्पीकर रही हैं और कौमी असम्बली के मेम्बर हैं, वो कैसे बाईपास कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। उनको पता है, उनको इन चीज़ इल्म है, इस चीज़ का इसका अदराक है उनको, क्या वो गलत कर रही है उनको भी समझ रही। लेकिन देखें वो हैदर है एक हमारा एजेंसी की जो एक्सीडेंट सकती है, उसने इन मामला को ख़राब किया और मैं एक दो दिन में साफ से मिलने जा रहा हूँ। इन शाला मुझे सारी डिटेल पैरल आज सेंटर खड़ा कर दिया, कल बलुस्तान दे सकते हैं, परसों के टीके कर सकते हैं, इस तरह चीज़ें नहीं चलती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का टीचर है, जिनका एक उन्होंने नॉमिनेट किया और पैकेज है, अल्लाह का फैसला कोई दिक्कत नहीं है। सर ये बताएं कि ये जो अफराम शाह के लिए आप क्या समझते हैं, कैसे लड़ते हैं आप, इससे ऐसी टीम सामने आएगी कि थोड़ा सा जो हमारे खामियाँ हैं उनको दूर किया। अलहमदिल्ला ये टीम मेरी हमारी गई थी और मान भी गई थी और उन्हें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ से चैलेंजिंग काफ़ी भी होती है फाइट के साइड में, और हमारी टीम हमारी खिलाड़ी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और अल्लाह से मुझे उम्मीद है। और हमारा जो है फॉरन फोर्स भी आ रहा है कल इंशाल्लाह, वो इधर ही हमारे साथ ही होंगे और हमें हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा।